आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। यूपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट घोषित। 10वीं की परीक्षाओं में छात्राओं ने मारी बाजी। 10वीं की परीक्षा में 85.25% छात्र पास। 10वीं की परीक्षा में 91.69% छात्राएं पास। यूपी बोर्ड में कानपुर के प्रिंस पटेल ने किया टॉप। मुरादाबाद की संस्कृति ठाकुर दूसरे स्थान पर। यूपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट घोषित। 10वीं की परीक्षाओं में छात्राओं ने मारी बाजी। 10वीं की परीक्षा में 85.25% छात्र पास। 10वीं की परीक्षा में 91.69% छात्राएं पास। यूपी बोर्ड में कानपुर के प्रिंस पटेल ने किया टॉप, तो वहीं मुरादाबाद की संस्कृति ठाकुर दूसरे स्थान पर। यूपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट घोषित। 10वीं की परीक्षाओं में छात्राओं ने मारी बाजी। कानपुर के प्रिंस पटेल ने टॉप किया, तो वहीं मुरादाबाद की संस्कृति ठाकुर दूसरे स्थान पर। संवाददाता उपेंद्र स्थानक कानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, प्रिंस पटेल ने टॉप किया है कानपुर से, क्या खुशी का माहौल है उनके परिवार जनों में और प्रिंस का क्या कुछ कहना है? जी, आपको पता चला कानपुर से जो प्रिंस पटेल जो पास हुआ है वो अभिनव इंटर कॉलेज मुरलीपुर कानपुर नगर का है, और उसके परिवार में देखा है तो काफी खुशी नजर आ रही, क्योंकि उसने जो है कानपुर के अंदर जो है यूपी में जो है कानपुर का गौरव दोबारा फिर बढ़ाया उसने। दोबारा देखा जाए तो अब की बात जो कानपुर का रिजल्ट देखा है तो उसमें जो है 96.18% जो है वो लड़कियों का है और 88.8% जो है वो लड़कों का रिजल्ट आया हुआ है इस बार कानपुर में। जो इनके अध्यापक है प्रिंस के, उनका क्या कुछ कहना है प्रिंस के टॉप करने पर? जी, आपको पता चले प्रिंस के जो अध्यापक है उनका साफ ये कहना है प्रिंसिपल का कि पिछले साल जो कोरोना का रिजल्ट निकला था उसमें छात्रों को जो अपडेट कर दिया गया था, प्रमोट करके उनको आगे क्लास बढ़ा दी गई थी, और इस बार जो हाई स्कूल का जो रिजल्ट आया हुआ है, इंटर का जो रिजल्ट आया हुआ है, उसमें जो है बच्चों को जो है बिल्कुल बहुत कम टाइम दिया गया था जिसमें उनको सिलेबस का टाइमिंग कम थी, और बच्चों ने काफी मेहनत करके जो है आज जो है देखा जाए तो रिजल्ट जो है आपके सामने है। कानपुर जो है जो टॉप 27 में जो है 9 बच्चे जो ऐसे हैं जो कानपुर में टॉप करे हैं। प्रिंस अपनी जीत का श्रेय किसको दे रहे हैं, साथ ही साथ जो अन्य बच्चे टॉपर्स हैं कानपुर के, उन्होंने अपनी जीत का श्रेय किसको दिया और आगे उनका ड्रीम क्या है, क्या बनना चाहते हैं, क्या कुछ करना चाहते हैं वो आगे? जी, बताते चले प्रिंस जो है उसका साफ कहना है कि मैं एक आईपीएस अधिकारी बनना चाहता हूं, मैं अपनी जो पढ़ाई का लेवल है मैं अपने लेवल को बढ़ाता रहूंगा हमेशा लगातार। और उसके बाद ये जो प्रिंस जो है उसका साफ उसके प्रिंसिपल का उनके टीचरों को साफ कहना है कि बच्चा जो है पहले से बहुत पढ़ने में तेज था और आगे और अपने वो फैमिली से बहुत थोड़ा कमजोर है और मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है प्रिंस, और देखा जाए तो उसने काफी मेहनत करी है, पहले के बच्चा कम टाइम में अच्छा रिजल्ट। वही अगर बात किया जो है इनके अध्यापकों की, साथ ही साथ इनके ट्यूशन टीचर, इनके जो अध्यापक थे, उनका क्या कुछ कहना है इस पर उपेंद्र? जी, आपको पता चले कि हम इस टाइम प्रेजेंट टाइम में कानपुर कर्मयोगी इंटर कॉलेज बर्रा 6 में खड़े हुए हैं, जो कि यहाँ के प्रिंसिपल हैं, उनके स्कूल का रिजल्ट भी जो है पूछते हैं उनसे कि छात्राओं में जो रिजल्ट है वो कैसा आया हुआ है। ये क्या नाम है आपका? रवीश द्विवेदी, मैं विद्यालय का प्रबंधक हूँ। रवीश जी, ये बताइए कि आपका जो स्कूल बना हुआ है, इस स्कूल में जो कितने छात्र छात्राएं जो है वो बैठे थे स्कूल में कंप्लीट इस परीक्षा में, कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए, कैसा रिजल्ट लगा आपको? इस वर्ष हाई स्कूल में 84 स्टूडेंट्स बैठे हुए थे और सभी 100% बच्चे परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, और लड़कियों का रिजल्ट तो लड़कों की अपेक्षा ज़्यादा अच्छा है, उनका परसेंटेज अच्छा है, लड़कियों के परसेंट में 92% तक बालिकाएं उत्तीर्ण हुई हैं। वहीं पर देखा जाए तो मैथ का रिजल्ट इस वर्ष अन्य वर्षों की अपेक्षा उतना अच्छा नहीं है, लेकिन अन्य विषयों का रिजल्ट अच्छा है क्योंकि समय कम मिला था इस वर्ष, कोरोना के कारण समय बच्चों को कम मिला था, बच्चे और विद्यालय ने एक टीम वर्क के रूप में कार्य किया
क्योंकि किसी का भी परिणाम तभी अच्छा होता है जिस तरीके से एक इमारत में एक एक ईंट का अपना महत्व होता है, उसी तरीके से विद्यालय के परीक्षा परिणाम में प्रधानाचार्य, अध्यापक, अध्यापिकाओं, बच्चों का और विद्यालय के वातावरण का सबका समायोजन होता है, तभी कहीं परीक्षा परिणाम अच्छा होता है। मैं विद्यालय का प्रबंधक रवीश द्विवेदी सभी सफल छात्र छात्राओं के लिए हार्दिक शुभकामनाएं करता हूं और उनके उत्तरोत्तर विकास के लिए कामना करता हूं। जैसा कि मुस्कान आपको पता चले ये प्रिंसिपल थे, उन्होंने बताया कि जो है सभी का समायोजन रहता है, छात्रों का, अध्यापकों का और टीचरों का। देखा जाए तो कोरोना काल की बात इन्होंने की, उन्होंने बताया कि कोरोना में जो है बच्चे जो हैं उन्हें कम समय मिला और जो है जो मैथ का रिजल्ट देखा जाए तो मैथ का रिजल्ट जो है वो थोड़ा वीक रहा है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद उपेंद्र। मुरादाबाद की संस्कृति ठाकुर दूसरे नंबर पर, तो वहीं इस बार भी छात्राओं ने बाजी मारी है। 10th यूपी बोर्ड 10th क्लास का रिजल्ट आ चुका है और जीते हुए छात्रों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड की 10वीं के नतीजे आ गए हैं। बोर्ड अधिकारियों द्वारा दावा है कि इस बार का रिजल्ट 11 साल में सबसे अच्छे आए हैं। 11 साल के बाद यानी सबसे अच्छा रिजल्ट आया है। इस बार 88.18% स्टूडेंट पास हुए हैं। इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी है। लड़के 85.25% पास हुए जबकि लड़कियां 91.51% पास हुई। कानपुर नगर के प्रिंस पटेल ने टॉप किया है। वहीं मुरादाबाद की संस्कृति दूसरे स्थान पर है जबकि कन्नौज के अनिकेत शर्मा तीसरे पायदान पर है। यूपी बोर्ड के टॉप 10 परीक्षार्थियों में कानपुर के छात्रों का दबदबा रहा। पहली रैंक से लेकर 10वीं तक कानपुर के कुल 5 परीक्षार्थी ने टॉप किया है। 2022 यूपी बोर्ड परीक्षा में 25,20,634 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। संवाददाता पवन पटेल प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, यूपी बोर्ड 10th क्लास के रिजल्ट का क्या कुछ अपडेट रहा है? किन बच्चों ने प्रयागराज से बाजी मारी है यूपी बोर्ड 10th क्लास में? तो वही 2022 से यूपी बोर्ड परीक्षा में 25,20,634 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इसमें कुल 22,22,745 बच्चे पास हुए हैं। इनमें 11,659,488 लड़के जबकि 10,53,257 लड़कियां पास हुई हैं। वहीं आपको बता दें कि प्रिंस पटेल कानपुर से टॉप किया है, उन्होंने 97.67% उनके जो परसेंटेज है। संस्कृति ठाकुर जो दूसरे नंबर पर है वो 97.50% पर है। यूपी के टॉप 10 बच्चों के नाम बता रहे हैं आपको। किरण कुशवाहा कानपुर से 97.50%, अनिकेत शर्मा कन्नौज से 97.33%, पलक अवस्थी कानपुर नगर से 97.17%, वहीं आस्था सिंह प्रयागराज से 97.17%, एकता वर्मा सीतापुर से 97%, अथर्व श्रीवास्तव रायबरेली से 97%, नैन्सी वर्मा कानपुर नगर से 97%, प्रांसी द्विवेदी कानपुर नगर से 97%, शीतल वर्मा सीतापुर से 96.83% पर रही है। कुल मिलाकर कानपुर के बच्चों का इस बार हाईस्कूल यूपी बोर्ड की परीक्षा में दबदबा रहा है। रिजल्ट का ऐलान बोर्ड डायरेक्टर डॉक्टर सरिता तिवारी और सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने प्रयागराज में किया। अब 1 घंटे बाद यानी कि 4 बजे इंटरमीडिएट का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। पिछले साल कोरोना के चलते परीक्षाएं रद्द कर दी गई थी, स्टूडेंट को प्रमोट कर दिया गया था। बता दें 4 साल बाद नतीजे का ऐलान प्रयागराज से हो रहा है। यूपी में भाजपा की सरकार आने के बाद 2017 से लखनऊ में शिक्षा मंत्री की मौजूदगी में रिजल्ट घोषित किए जाते थे। 2022 की तुलना में इस बार का रिजल्ट खुश करने वाला रहा। 4.87 परीक्षार्थी ज्यादा पास हुए हैं, 5.37% लड़के ज्यादा पास हुए हैं, तो वही 4.40% लड़कियां ज्यादा पास हुई हैं।
संवाददाता पवन पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रयागराज से। पवन, प्रयागराज के जो बच्चे टॉपर्स हैं उनमें क्या खुशी की लहर है और उनके परिवार जनों का क्या कहना है? पहले आप टॉपर्स के नाम बताएं। बिल्कुल, देखिए प्रयागराज में आज हाई स्कूल का परिणाम है, परीक्षा फल वो घोषित किया गया है। प्रयागराज की दो छात्राएं हैं जो यूपी टॉप 10 में उन्होंने अपनी स्थान बनाई है। एक नैनी की छात्रा रहने वाली है आस्था तिवारी और दूसरा कोराव की रहने वाली है। और ये जो दोनों छात्राएं हैं इनके घर में खुशी का माहौल है, इनके घर में बधाइयां देने वालों का तांता लगा हुआ है और लोग इनके शुभकामनाएं दे रहे हैं, इनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दे रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही प्रयागराज के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परिषद में हाई स्कूल का परिणाम घोषित किया गया है और जिस तरीके से जो प्रतिशत आया है निश्चित रूप से बहुत अच्छा है और जो छात्रों के लिए है निश्चित रूप से एक सुकून भरा है। जी, जो ये छात्र छात्राओं के जो अध्यापक है ये इनका क्या कहना है, ये किस तरह से बधाई दे रहे हैं अपने जो छात्र हैं अपने उनके स्कूल के? बिल्कुल, निश्चित रूप से ये छात्रों और छात्राओं के लिए बहुत खुशी की बात है। जो यहाँ पर जो रिजल्ट का जो प्रतिशत है वो बहुत ही अच्छा है, निश्चित रूप से लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर भी कही जा सकती है। हाँ, अगर बात की जाए जिन छात्राओं के जो स्कूल के जो उनके शिक्षक हैं या उनके जो परिजन हैं वो अपने खुशी जाहिर कर रहे हैं और लोग उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं, उनके घर में बधाइयां देने वालों का तांता लगा हुआ है और अभी कुछ ही देर में इंटर का भी जो रिजल्ट है वो भी सामने आने वाला है। तो ऐसे में जो शिक्षक हैं या जो उनके परिजन हैं वो दूसरे रिजल्ट का इंतजार भी करते हुए नजर आ रहे हैं। जी पवन, जिस तरह से जो बच्चे टॉपर्स हैं या जो बच्चे अच्छे नंबरों से पास हुए हैं उनका क्या कुछ कहना है, भविष्य में आगे वो क्या कुछ करना चाहते हैं? क्योंकि अभी जो टॉपर बच्चे हैं उनसे बातचीत नहीं हो पाई है, कुछ ही देर में हम उनसे बातचीत करेंगे और हम उनसे उनके अनुभव को जानेंगे और भविष्य में उनके किस तरह की तैयारियां हैं, किस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, इन सब मुद्दों पर हम उनसे बातचीत करेंगे, हम उनसे जानेंगे और अपने इस जीत का श्रेय या अपने इस इनको जो खुशी मिली इसका श्रेय वो किसको देंगे, हम उनसे बातचीत जरूर करेंगे। जी, जो प्रयागराज के दोनों टॉपर बच्चे हैं आस्था सिंह, ये किन स्कूल से पढ़े हुए बच्चे हैं, इनका स्कूल कहाँ पर रहा है और स्कूल के जो प्राचार्य हैं उनका क्या कुछ कहना है इनके टॉप करने पर? क्योंकि इनके परिजनों से बातचीत नहीं हो पाई है, जो आस्था सिंह है वो नैनी के रहने वाली है और नैनी के कॉलेज में पढ़ती है। जो दूसरी छात्रा है टॉप 10 में आस्था सिंह, आस्था तिवारी, वो प्रयागराज के कोराव क्षेत्र की रहने वाली है। इनके परिजनों से अभी हमारा संपर्क नहीं हो पाया, जैसे उनसे बातचीत होगी हम उनके परिजनों से और उस छात्रा से उनसे बातचीत करेंगे, हम उनके बारे में उनके अनुभव को जरूर साझा करेंगे। जी जी, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद पवन। में 97.88% छात्र पास हुए थे। भाई रायबरेली से संवाददाता अजय प्रताप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, 10th क्लास यूपी बोर्ड के बच्चों का रिजल्ट आ चुका है, जो बच्चे टॉपर है जिन्होंने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं उनका क्या कुछ कहना है और उनके परिवारजनों में क्या कुछ खुशी की लहर है? आप बता दो कि रायबरेली जनपद हमेशा जो है इस तरह से फर्स्ट आते रहते हैं, क्योंकि जो इस तरीके से जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं रायबरेली के जो छात्र हैं विद्यार्थी हैं वो हर चीज में नाम करते हैं, क्योंकि जो आप बता दूं कि जो ये आदर्श न्यू शिक्षा निकेतन के जो अथर श्रीवास्तव जो लड़का है वो यूपी में पांचवें स्थान पर स्थान पाया है। और वहीं आपको बता दूं कि अजय प्रताप सिंह जो है आठवें स्थान पर है। आपको बता दूं कि जिस तरीके से खुशी देखने को मिल रही है रायबरेली जनपद में, उन्हीं के घर नहीं बाकी रायबरेली जनपद में सारे जो विद्यार्थी हैं उनके अंदर खुशी का जो लहर है वो जी जो अथर्व है क्या अथर्व है जो वो उनका क्या कुछ कहना है, किस स्कूल से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की है और उनके टॉप करने पर टॉप 10 में जगह बनाने पर उनके अध्यापकों का क्या कुछ कहना है? अजय जी,
रायबरेली जनपद के डलमऊ में न्यू आदर्श शिक्षा निकेतन में आधार श्रीवास्तव ने पढ़ाई की है, जो यूपी में हाई स्कूल में बात करें तो पांचवें स्थान पर उनका स्थान आया है। उसको लेकर देखा जाए तो उनके अंदर काफी अंदर खुशियां हैं, क्योंकि अभी प्राइम टीवी की जो साथी है टीम वहां पहुंचेगी और वहां से रूबरू कराएगी, क्योंकि जिस तरीके से सूचना मिली है कि अभी स्पष्ट नहीं हो पाए कितने प्रतिशत अंक उनको मिले। जी भाई, उनके परिवार जनों में क्या कुछ खुशी की लहर देखने को मिल रही है अजय, और जो आसपास के लोग हैं, जो मोहल्ले के लोग हैं, वो किस तरह से अथर्व को बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं? अथर्व ने पूरे रायबरेली का नाम रोशन किया है टॉप 10 में जगह बनाकर। जी, अथर्व की बात की जाए तो भाई उनसे वो और उनके घर पर जहाँ परिवारजनों और जितने बच्चे हैं शिक्षक की, तो वो मिठाई खिलाकर फूलमाला पहनाकर खुशियाँ जता रहे हैं और लोग दूर दराज से आकर शुभकामनाएं दे रहे हैं। लगातार जिस तरीके की खुशियाँ देखने को मिल रही है रायबरेली जनपद में, कहीं ना कहीं देखी जाए तो रायबरेली जनपद का जो छात्र है ये यूपी में पांचवें स्थान पर है, जो कि टॉप 10 में जगह बनाई है। आपको बता दूं कहीं ना कहीं रायबरेली का जो खुशी का लहर है वो सभी देखने को। तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद अजय। अगर पिछले 5 साल 10वीं के रिजल्ट को देखा जाए तो साल 2017 में कुल 81.18% विद्यार्थी पास हुए थे, तो वही थोड़ी देर बाद यानी कि 4 बजे 12वीं का यूपी बोर्ड रिजल्ट आ जाएगा और देखना यह होगा कि इस यूपी बोर्ड 12वीं के रिजल्ट में किसने बाजी मारी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, सारे अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।